ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਅੰਜ ਸੁੱਟਿਆ बेटियों पर हमला किया। ये हमारे कृष्ण भाई हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन हम इनके हक में इसलिए आए कि ये जो अम्मी हैं, इनको हमने शुरू से देखा है, इनका मकान है, इन्होंने बनाया है मेहनत करके, किस तरह बनाया हमें पता है। मुसलमानों और कलमा पढ़ के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, जो हुआ गलत हुआ और मुसलमान हम लोग भी हैं, मगर यहाँ पे दाढ़ी वाले बंदे आए, ठीक है, अंदर बेटियाँ भी हैं, वो हमारी इज्जत है, ठीक है। एक सवाल है और इसका जवाब उदन मिलेगा जिदन अनायत बीबी नूह दा घर मिलेगा। मेरे वालों सारे भैन भाइयों सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज की गल दे नाल नासर जमील हाजिर खिदमत है और अज की गल जिहड़ी है उसी मरीम कॉलोनी लाहौर कैंट जिहड़ा है जिहड़ा निशात कॉलोनी दे नाल है, असीं इत्थों कर रहे हैं। इत्थे एक खानदान है और इत्थे एक खातून है अनायत बीबी जोजा विलियम मसीह, उन्हां दे घर दे उत्ते नाजायज़ कब्जा करन वास्ते कुछ 100 to 150 लोग जिहड़े ने उह एक हजूम दी शक्ल च और एक जत्थे दी शक्ल दे विच इत्थे आ के ते उन्होंने इन्हां दे घर ते कब्जा कर कीता है। बल्कि मैं तुम दसना चाहना कि तुसी नाल नाल इन्हों दा समान वेख रहे हो जिहड़ा गली दे विच पिया होया है, इन्हों दे मल्लेदार देख रहे हो जिहड़े इन्हां दे नाल खड़े हन और इन्होंने इन्हों दे नाल अज वाकया किंज होया है, किस तरह होया है, कौन लोग सन, यह सानू अनायत बीबी साहिबा दसणगे। जी बीबी दसो की मसला है। हाँ जी मसला घर का मसला है, उन्होंने इन्नी देर का साड़ा कोई मतलब हैगा नहीं सी, फैसला मेरा हो गया है, कागजात मेरे नाँ ते ने, आधार जात फैसला होया है, पैसा भी साड़े तो लै गए ने अपने मलबिया का, मेरे सके देवे रह गए थे, उन्होंने वह भी फौत हो गया, 5-6 दिन हो गए ने, ईसाइयों मुसलमान होया है और जनादा का ईसाइया के कब्रस्तान दफन होया है, यह 5-6 दिन सकी भैन भी वो हैगी है, मेरे तो अलावा कभी वो भी बयान ले लेना, भैन भी दसेगी कि असल मालक कौन है। ए कागज वगैरह किदे नाते ने? मेरे नाते ने। मरीम कॉलोनी जी मल्लेदार और अनायत बीबी हमसाए ने नासर पट्टी साहब मौजूद ने, असि इन्हों को जानांगे बई की गल हुई सी और किस तरह हुई सी। जी सलाम जी सब नूं। असल जो इन्हों का काफ़ी देर तो उन्हें अपने भरा नालगा सी मसला मसाइल, इन्होंने पैसे पूसे दे दिते हुए सन, वो जिस वे फौत हो गए ने उस तो बाद वो मुस्लिम है फैमिली ना, उन्होंने कहा कि जी ये साडा हाले है, साडा ही घर है, हालांकि इन्होंने एक एक किट जो पैसा अपना लगाया हुआ वे इन्हों के नाँ से, ट्रांसफर GLR रजिस्ट्री वगैरह हाउस टैक्स इन्हों के नाँ से है, सारा कुछ है, मगर आज जड़ी उन्होंने ना ज्यादती की थी, बहुत ज्यादती। ये जड़े लोग तो आए ने तो क्योंकि तुसी मल्लेदार हो, ये कौन सन, क्रिश्चियन सन, मुस्लिम सन, मुस्लिम सन, क्रिश्चियन कोई भी नाल नहीं सीगा, सारे मुस्लिम लोग सन, जड़े 150 तो उत्ते लोग सी, ठीक है, और उन्होंने आके इन्हां दी बेटी हैगी है वह प्रैगनेंट हैगी है, उन्होंने भी मारिया कुटिया नाल बाइबल की बेहरमती की अंज सुटिया और बड़ा मैं कि अपना इन्हां नाल वैसे ज्यादती हुई है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਮ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਮ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ? ਮਸੀਹ ਮੇ ਸਭ ਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ SP ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਅਰਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਆਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ, ਅਭੀ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈ, ये सारा रश इस बात की गवाही दे रहा है कि ज्यादती हुई है, जब ज्यादती होती है तो रश जरूर होता है, और ये मसीह फैमिली है, तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग जो मुस्लिम थे वो आए हैं, उन्होंने आके मारा बेटियों पर हमला किया है और आते सारी कोई बात नहीं उन्होंने की, जैसे सलाम दुआ लिया उसके बाद घर से सामान निकालना शुरू कर दिया है और कहा जी ये घर हमारा है, और जब हमने आवाज़ें सुनी है तो हम भी एकदम से आए बाहर, और जब हमने देखा तो रश लगा हुआ था, वो लोग ही लोग इतने आदमी थे कि हम
बता नहीं सकते आपको, और वो यही कह रहे थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, और 150 लोगों की प्रॉपर्टी, वो कह रहे हमारी प्रॉपर्टी है। अगर 150 लोगों की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 5 मरले है और 150 लोगों की कैसे हो गई। और दूसरी बात, उन्होंने घर का सामान तोड़ा, घर का सामान तोड़ के कहते हैं आप हमारे घर पर कब्जा किए हुए हैं, हमारी जो बुजुर्ग है इनके नाम पे रजिस्ट्री है, और उन्होंने 2 नंबर जो डिग्री है जारी करवाई हुई है। और जज साहब है मखदूम साहब, हम नहीं जानते, लेकिन वो कह रहे थे कि LDA दूसरे प्लाजे पे, दूसरे मंजिल पे वो बैठते हैं, वो उन्होंने डिग्री जारी की है। और अगर डिग्री जारी की है, अगर भाई के नाम पर रजिस्ट्री होगी तो डिग्री जारी होगी, लेकिन रजिस्ट्री तो हमारी LDA वाले किस तरह डिग्री दे सकते हैं, तो कैंटोनमेंट का इलाका है जी। यही तो बात हमें नहीं समझ आ रही थी, जब हमने SHO साहब कॉल किया, जब वो हमारी बाइबल की भी बेहरमती कर रहे थे, तो फिर मैंने कॉल की थी। नाज़रीन इत्थे इस वक्त साढ़े नाल इस मोहल्लेदार जिहड़े ने एक ट्रांसजेंडर फैमिली जिहड़ी है वो साढ़े नाल मौजूद है, और इस ट्रांसजेंडर फैमिली दी जिहड़े जी ने वो साढ़े नाल इहदे बारे गलबात करनगे, और असीं इहनां कोल जाणांगे कि जिहड़े ट्रांसजेंडर ने इहनां ने की वेख्या और किस तरह वेख्या और की होया है। जी हम हक सच की बात करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, खुदा को जान देनी है। चाहे ये हमारे कृष्ण भाई, ये हमारे कृष्ण भाई हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन हम इनके हक में इसलिए आए कि ये जो अम्मी हैं इनको हमने शुरू से देखा है, इनका मकान है, इन्होंने बनाया है मेहनत करके, किस तरह बनाया हमें पता है। ये बेशक कृष्ण फैमिली है लेकिन इज्जतदार हैं, अच्छे लोग हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कृष्ण ने अजान का एहतराम करते हैं, हमें उनकी बाइबल का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल, वो कौन से लोग जिन्होंने बाइबल की बेहरमती करी, वो भी अहले किताब है, उसको हम भी मानते हैं। लोग आए होंगे, मैं नताशा खान हूँ, ठीक है, इस इलाके का खुसरो, ठीक है, और मैं ये कहती हूँ और मुसलमान हूँ और कलमा पढ़ के कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, जो हुआ गलत हुआ, और मुसलमान हम लोग भी हैं, मगर यहाँ पे दाढ़ी वाले बंदे आए, ठीक है, अंदर बेटियां भी हैं, वो हमारी इज्जत है, ठीक है। अगर हमारे कुरान पाक के साथ कुछ जाती करें हम लोग चुप करेंगे, गलत बात है, गलत बात है। दूसरी ये बात है, इनों की बेटियों के साथ भी बदतमीजी की, ये कैसे मुस्लिम है, शर्म करो थोड़ी सी, ऐसे कुछ नहीं करते, ठीक है, अंदर आकर घुस के तुम लोग खुदा से डरो, लानत हो तुम लोगों पे। मेरी गाल सुनो, सारी पाकिस्तान हुकूमत ते पंजाब पुलिस रिक्वेस्ट है कि इन्हां दे नाल इंसाफ कीता जावे। बिल्कुल, इन्हां ने इंसाफ नहीं कीता, असीं सारे लॉर्ड दे ख्वाजा साहिब सम्मा दे नाल लेके इतना मुसैदी होईए। ओ प्रवीण जड़ी है कि कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया ओदे खिलाफ असीं पिट्टा के नंगे होके जा जे। हाय 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 हाय। नाज़रीन तुसीं जानदे हो कि घर किसे दा भी होवे ओ ओदे लई जन्नत हुंदा है, और ओ खराब नहीं होना चाहीदा। जदों कोई किसे दा घर खराब करदा है, उदों दरअसल ओदे अरमान और ओदी ओदा कॉन्फिडेंस, ओदा एतमाद और ओदा जिहड़ा आलना हुंदा है वो हटांदा है। सो अज तुसीं देखिया है कि सारी जिहड़े इहनां दे मोहल्लेदार ने, खा ओ मर्द ने, खा ओ खातीन ने, खा ओ जवान ने, खा ओ बुढ़े ने, खा ओ पादरी ने, खा ओ ख्वाजा सरा ने, वो इहनां दे नाल खड़े ने। गल इह है कि बहुत सारियां जुबाने खल्क नकाराज खुदास्त, जिहड़ी जिया की गल हुंदी है वही रब की गल हुंदी है। सो अगर अज इन्हां दे नाल ज्यादती हो रही है तो ये सिर्फ एक खानदान नाल ज्यादती नहीं सी जानदे, पर असी एक पूरे इंसानियत नाल ज्यादती जानदे हाँ। वो शायद चाहे अनायत बीबी होवे, वो शायद मेरी माँ नहीं है, वो तुहाड़ी माँ नहीं है, लेकिन किसी की भी माँ के सिर तो छत लाना इंजी है जिवें किसी की माँ की जिहड़ी चुन्नी है वो सिर तो खिंच ली जाए। सो जिहड़ा नैशनल न्यूज़ है वो ना सिर्फ अनायत बीबी दी, बल्कि अनायत बीबी वर्गे जिन्हें भी मजलूम ने, खौफ पाकिस्तान च, खौफ जिथे भी ने दुनिया दे विच, उन्हां दी आवाज़ है। पर अज एक चैलेंज भी है, क्या साडियां अदालतां और क्या साडे इदारे जिहड़े ने वह इहो जिहे मजलूमां दे नाल खड़े हो के ते इन्हां नूं पूरा पूरा इंसाफ जिहड़ा इन्हां दा बनदा है उन्हां नूं देण वास्ते तैयार ने, और वह भी जिवें इन्हां दी कम्यूनिटी इन्हां दे नाल खलोती है, इन्हां दे पिछे खलोते ने। एक सवाल है और इहदा जवाब उदन मिलेगा जिदन अनायत बीबी नूं उहदा घर मिलेगा। अज दी गल नूं इत्थे मुकाने आ, रब रखा।